हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सिलेबस का चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी ने विक्रमादित्य का नाम सुना है। इंडियन हिस्ट्री में उनका टाइम पीरियड एक लैंडमार्क है। हमारे देश में विक्रम संवत उन्हीं के नाम से ली गई है। हालांकि वे एक ग्रेट रूलर थे, फिर भी आश्चर्य की बात है हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। मगर एक बात हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान और न्याय करने वाले राजा थे। वो अपनी प्रजा के साथ हमेशा न्याय करते थे और उनका दरबार बुद्धिमान और पढ़े लिखे लोगों से भरा रहता था। ऐसा कहा जाता है कि वो हिस्ट्री के सबसे ग्रेट जज थे। विक्रमादित्य को कोई भी धोखा नहीं दे सकता था, ना ही उन्होंने कभी बेकसूर इंसान को सजा दी। जो भी दोषी आदमी उनके सामने आता, वह खुद ब खुद थरथराने लगता और विक्रमादित्य सीधे उस दोषी आदमी की आंखों में देखते और उसके दोषी होने का पता लगा लेते। जो कोई भी उनके पास मुश्किल से मुश्किल परेशानी लेकर आता, वह उसे बड़ी आसानी से सुलझा देते और लोगों को उनके न्याय करने का तरीका भी बहुत पसंद था। इसीलिए जब कोई जज आजकल कोई डिस्प्यूट का न्याय के साथ फैसला सुनाता है तो कहा जाता है वह जज ज़रूर विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठा होगा। क्या वाकई किसी ने विक्रमादित्य की जजमेंट सीट देखी है? शायद नहीं, क्योंकि वो धरती से गायब हो चुकी है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कैसे गायब हुई। विक्रमादित्य की जब डेथ हुई तब उज्जैन के लोग उन्हें वक्त के साथ भूल गए। उनका महल भी समय के साथ खंडर हो गया। उनके महल के ऊपर अब घास, पेड़ और पौधे उगाए थे और वह जगह अब चरागाह में बदल गई थी, जहां पर लोग अपने जानवरों को चराने आते थे। लोग अपनी गायों को वहां चरने के लिए भेजते थे। सुबह सुबह एक लड़का उन गायों को लाता और गाय दिन भर घास चरती थी जब तक शाम ना हो जाती थी। जब जाने का वक्त होता तब वह लड़का मैदान के एक किनारे से जोर से आवाज लगाता और सभी गायें एक साथ जमा हो जाती और घर की तरफ लौट आती। इसी तरह वह लड़का अपनी ज़िंदगी उज्जैन में बसर कर रहा था। वहाँ पर बहुत सारे उसके जैसे लड़के आते थे और जब उनकी गाय चर रही होती तो उन्हें खेलने का टाइम मिल जाता था। एक दिन उन लड़कों को खेलने के लिए बहुत खूबसूरत सा मैदान मिला। वह मैदान पेड़ों से भरा पड़ा था। मैदान की ज़मीन थोड़ी उबड़ खाबड़ भी थी। इसी बीच उन्हें एक उभरा हुआ पत्थर दिखाई पड़ा। उस पत्थर में टीलानुमा आकृति भी थी जो बहुत हद तक एक जज की सीट लग रही थी। उनमें से एक बच्चे ने कुछ सोचा और वो जाकर उस पत्थर पर बैठ गया। पत्थर पर बैठते ही लड़का बोलता, सुनो मैं जज हूँ और तुम्हारे पास जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सब मेरे पास लाओ, मैं एक एक करके सबको सुनूंगा। और फिर वह अपना सिर उठाता और बहुत ही सीरियस सा चेहरा बना लेता, जैसे कि एक जज का होता है। सभी को ये मजाक लग रहा था। वो आपस में कुछ फुसफुसाते हैं और बनावटी तौर पर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वो लोग उस लड़के के सामने इकट्ठा होते हैं। एक ग्रुप कहता है कि ये ज़मीन मेरी है और दूसरा कहता है ये ज़मीन मेरी है। यही सब चल रहा था और वो चाहते थे कि ये लड़का इस डिस्प्यूट को सॉल्व करे। पर इसी बीच अजीब सी चीज़ होती है। वह लड़का जो अभी कुछ देर पहले एक साधारण सा लड़का था, वह बहुत सीरियस और अलग दिख रहा था। वह बहुत सीरियस दिख रहा था और उसकी टोन और मैनर भी काफ़ी स्ट्रेंज और इम्प्रेसिव थे। और वहाँ पर मौजूद लड़के भी थोड़ा डर गए थे, मगर अब भी ये इन्हें खेल लग रहा था। वह फिर एक नया मुकदमा उसके सामने लाए और फिर बड़ी आसानी से उसने उसका फैसला सुना दिया। और इसी तरह ये खेल चलता रहा जब तक कि जाने का समय ना हो गया। और फिर वह लड़का उस टीले पर से उतरता है और जैसे ही वह लड़का उस टीले पर से उतरता है वह फिर से एक आम चरवाहे की तरह दिखने लगता है। इसी तरह वह लड़का बहुत मशहूर हो गया और जब भी कोई
कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट होता तो लोग उसके पास ही लाते, और हमेशा एक चीज़ होती, वह लड़का टीले पर बैठते ही बिल्कुल सीरियस हो जाता और उसकी टोन भी बदल जाती, और फिर वह डिस्प्यूट को सुनता और बड़ी बुद्धिमानी से दोनों पक्षों के बीच न्याय कर देता। मगर जब वह टीले पर से उतरता तो वह बिल्कुल आम चरवाहे की तरह दिखने लगता। धीरे धीरे ये खबर गांव भर में फैल गई। सभी बड़े बूढ़े आदमी औरतें उसके पास अपने मसलों को लाते थे, और वो चरवाहा लड़का अपने डिसीजन से दोनों पक्षों को सेटिस्फाई करता था। अभी ये खबर उज्जैन के राजा के कानों को मिली। उज्जैन के राजा को लग रहा था कि वह लड़का ज़रूर विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ गया है, क्योंकि जहाँ पर वह लड़का बैठकर लोगों में इंसाफ करता था वहाँ बहुत पहले विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। राजा ने सोचा क्यों ना उस जगह को खोदा जाए और उस सिंहासन को खोज निकाला जाए, और फिर मैं भी उस सिंहासन पर बैठूं तो मुझ में भी विक्रमादित्य की बुद्धिमता आ जाएगी और मैं भी लोगों में इंसाफ कर सकूंगा। तो फिर क्या था, राजा के सैनिक कुदाल और बेलचा लेकर वहां पहुंचे जहां पर लड़के खेला करते थे, और कुछ ही देर में सैनिकों ने उस जगह को खोद डाला। वह लड़का जो उस सिंहासन पर बैठता था वह अब दुखी था। उसे लग रहा था कि ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है जो राजा को बहुत प्यारी है। आखिरकार सैनिकों को कुछ मिला, उन्होंने उसे बाहर निकाला। ये वाकई विक्रमादित्य की जजमेंट सीट थी, जो ब्लैक मार्बल की बनी हुई थी, जिसको 25 स्टोन की बनी हुई परियां उठाए हुई थी। बहुत ही शोरगुल के साथ वह जजमेंट सीट राजा के दरबार में लाई गई। राजा ने आदेश दिया कि वह 3 दिन तक पूजा पाठ करेगा और व्रत रखेगा, फिर 4th दिन वह सिंहासन पर बैठेगा। 3 दिन के बाद आखिरकार वो सुबह भी आ गई। भीड़ भी इकट्ठा थी राजा का सिंहासन अभिषेक देखने के लिए। राजा के पीछे पीछे सारे मंत्री और पंडित चल रहे थे, और जब वह सिंहासन के पास पहुंचते हैं तो मंत्री और पंडित किनारे दरबार में खड़े हो जाते हैं, और सिर्फ राजा सिंहासन की तरफ बैठने के लिए आगे बढ़ता है। वह सिंहासन के सम्मान में अपना सिर झुकाता है, और जब वह सिंहासन पर बैठने ही वाला होता है तो एक पत्थर की बनी परी बोल पड़ती है, रुको, और बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? क्या तुमने कभी ऐसे राज्य पर शासन करने की इच्छा की है जो तुम्हारा ना हो? थोड़ी देर तक राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसने बहुत सारे ऐसे राज्यों पर हमला किया था जो उसके नहीं थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह बोलता है, नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। फिर परी कहती है, जाओ और 3 दिन तक पूजा पाठ करो और व्रत रखो ताकि तुम अपने आप को प्यूरिफाई कर सको और इस सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सको। और ये कहकर वह परी अपने परों को फैलाती है और उड़ जाती है। राजा 3 दिन तक पूजा पाठ करता है और व्रत रखता है। फिर 3 दिन बाद वापस सिंहासन पर बैठने के लिए आता है, मगर इस बार भी वही चीज़ होती है। एक और पत्थर की परी बोल पड़ती है, क्या तुमने कभी अपने आप को दूसरों से ऊंचा दिखाने की कोशिश की है? राजा ने एडमिट किया कि वह अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझता था, इसलिए वह इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है। इसी तरह राजा जब भी सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता तो कोई एक परी उससे क्वेश्चन करती और राजा को मजबूरन पीछे हटना पड़ता। इसी तरह चलता रहा और आखिर में सिर्फ एक परी रह गई जो अकेली उस सिंहासन को संभाले हुई थी। इस बार राजा बहुत कॉन्फिडेंट था कि आज तो मैं इस सिंहासन पर बैठ ही जाऊंगा। राजा सिंहासन के करीब जाता है, मगर जैसे ही वह करीब जाता है वो आखिरी परी भी बोल पड़ती है। वो कहती है, क्या तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है जैसा कि एक छोटे बच्चे का होता है? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
बहुत ही धीमी आवाज़ में राजा कहता है, नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। और इन शब्दों को सुनकर वह परी उस सिंहासन को लेकर आसमान में उड़ जाती है। और इस तरह जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य धरती पर से, अर्थ पर से हमेशा के लिए गायब हो जाती है।